नमस्कार, आप सभी का आज सूर्य स्कूल महेंद्रगढ़ YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम हमारी हिंदी व्याकरण में विषय विराम चिन्ह को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। अब देखिए, विराम चिन्ह जो है उसका हमें शब्द का अर्थ जानना होगा। इसका अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना, जिसको हम कहते हैं विराम चिन्ह। के लिए हम इस विराम शब्द का अर्थ भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए लिखते समय वाक्य के बीच में या अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो अब हमारी जो भाषा है उसको सरल शब्दों में अगर हम बताएं कि विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, लेखन में हम जब स्पष्टता लानी हो, किसी बात को स्पष्ट रूप में कहना हो, तो हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जब भाषा में हम लिखते हैं, बोलते हैं या पढ़ते हैं, तो वहां रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो यही है भावों और विचारों को स्पष्ट करने का एक माध्यम, जहां हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। अब देखो, एक उदाहरण के लिए मैंने एक वाक्य लिखा है यहाँ पर, रोको मत जाने दो। तो यहाँ मैंने पूर्ण विराम लगाया है। अब इसका मतलब है किसी व्यक्ति के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं कि रोको मत जाने दो। अब इसी वाक्य को अगर हम विराम चिन्ह के प्रयोग से लिखें तो देखो कैसे बनेगा। अब मैंने यहाँ लिखा रोको मत जाने दो, तो इसका जो वाक्य का जो मीनिंग था, अर्थ था, वो बिल्कुल बदल गया। केवल इसको इस विराम चिन्ह के प्रयोग करने से इस वाक्य का अर्थ बदल गया है। अब इसी तरह से अगर हम एक और वाक्य लें इसी वाक्य का, अब मैंने यहाँ लिखा रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब ये वाक्य यहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग होने से, रोको मत के बाद हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, तो ये जो वाक्य है इसका अर्थ बिल्कुल ही बदल गया है। तो ये तीन, एक ही वाक्य को हमने तीन रूप में देखा कि विराम चिन्ह अपने रूप किसी भी वाक्य के अर्थ को किस तरह से परिवर्तित कर सकता है। तो ये अब आता है हमारी व्याकरण के अनुसार, हम इनको जो हमारे विराम चिन्ह है उनको हम दो रूप में, दो आधार पर या दो रूपों में इनको बांट सकते हैं। अब हमने पहला बांटा इसको वाक्य के अंत में लगने वाले विराम चिन्ह, इनको दो हिस्सों में बांट लिया हमारे विराम चिन्हों को। जितने भी वाक्य हैं उनके अंत में जो लगता है वो एक होता है पूर्ण विराम, दूसरा है प्रश्नवाचक और तीसरा है विस्मय सूचक चिन्ह। अब आता है देखो पूर्ण विराम क्या होता है, जो वाक्य के अंत में लगाया जाता है। अब मैंने यहाँ एक वाक्य लिखा, देखो रोको मत जाने दो, ये पूरा जो सेंटेंस मैंने लिखा, यहाँ मैंने जो ये चिन्ह का प्रयोग किया है तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया हमने, कि जब हमारी कोई बात पूरी हो जाए तो वहां अंत में हम क्या लगाते हैं, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। तो ये वाक्य में जो हमारे सामान्य जो वाक्य होते हैं, जिसमें सरल, संयुक्त, मिश्र जो भी वाक्य होगा उसके अंत में